न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। गरीबों को इलाज के लिए अस्पताल में धक्के न खाने पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत के नाम से एक योजना चलाई। इस योजना के तहत देश के करोड़ों गरीबों को आयुष्मान कार्ड बनाकर दिए गए, लेकिन जब इलाज की बारी आई तो मरीजों को अस्पताल में चक्कर काटने पड़ रहे हैं और मरीज अपनी जेबें कटवाने को विवश हैं। यह हम नहीं कह रहे बल्कि यह कहना है उन मरीजों के परिजनों का जो इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी की, जहां एक महिला की हालत बिगड़ने पर उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों की माने तो यह अस्पताल आयुष्मान योजना के पैनल पर होने के बावजूद चिकित्सक ने मरीज का जांच और इलाज के नाम पर उनसे 15,000 की वसूली कर ली और बाद में यह कहकर रेफर कर दिया गया कि सरकार ने आयुष्मान कार्ड के नाम पर यह झुंझुना तुम्हें थमा दिया है, इसलिए यहां इलाज नहीं हो सकता। इसके बाद मरीज को दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला अभी उपचाराधीन है। इसे लेकर जब अस्पताल संचालक का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि मरीज जब उनके यहां भर्ती हुआ तब मामूली सरदर्द व उल्टी की शिकायत थी। जांच कराने के बाद पता चला कि मरीज को दिमागी रोग है, जिस पर उन्होंने रेफर करते हुए सरकारी अस्पताल में सीटी कराने को कहा, लेकिन परिजन उसे निजी अस्पताल में ले गए। उन्होंने कहा कि मरीज कहीं से भी गरीब नहीं लगता, क्योंकि परिजन सरकारी अस्पताल में ले जाने की बजाय प्राइवेट अस्पताल से इलाज करा रहे हैं। जहां तक अस्पताल का पैनल पर होने का सवाल है, तो जो बीमारी मरीज को है उसके लिए उनका अस्पताल पैनल पर नहीं है, और जिस वसूली की बात परिजनों द्वारा की जा रही है तो आयुष्मान के तहत उन्हें इलाज के पैसे मिलते हैं, जबकि टेस्ट का कोई पैसा नहीं मिलता। अब जरा सुनिए इस पर स्वास्थ्य अधिकारी क्या कहते हैं। उनका कहना है कि जिस इलाज के लिए जो अस्पताल रजिस्टर्ड है वह इलाज वहीं पर संभव है, फिर भी अगर किसी मरीज को किसी अस्पताल से कोई शिकायत है तो उसकी शिकायत उनके कार्यालय में की जा सकती है, जिस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मगर कुछ भी हो, अब इसे जागरूकता की कमी कहें या फिर सरकार के प्रचार की कमी, आयुष्मान कार्ड बनवाने के बावजूद मरीज अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। हालांकि यह कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जब इलाज के लिए मरीजों को अस्पताल के धक्के खाने पड़े। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। नाक्षी है जो पेशेंट है वो मेरे मुँह से लगती है, बहन की सास। और जो आज मोदी ने जो कार्ड बनाया था आयुष्मान वाला, उसमें कहा गया था कि भाई गरीबों की हेल्प होगी, परंतु हम लेके गए उसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कौन लेके गए? हॉस्पिटल में, दो हॉस्पिटल में गए थे, एक तो SP यादव में, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया कि यहाँ इसका कोई मतलब वैलिडिटी नहीं है। और फिर उसके बाद हम विराट हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ भी यही सेम बताया गया। कितने रुपए आपसे लिए गए? यहाँ 15,000 रुपए लिए गए। और पेशेंट की सिचुएशन बिल्कुल सेम एडिटीज है जो पहले लेके गए थे। मैं देवदत्त हूँ, मेरी घरवाली, मैंने इसमें SP यादव में एडमिट करा दी थी, उसने 15,000 रुपये मेरे से खोल लिए और रेफर कर दी। मैंने अब इसके आदित्य के एडमिट करा रखी है, वो मरा हुआ है। तो आपका कार्ड बना हुआ है आयुष्मान? मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। क्या कहा उन्होंने इलाज के बारे में? इलाज के बारे वो लट गया, बोले मेरा लागू नहीं है। तो पैनल पर होने के बावजूद क्यों नहीं किया इलाज? हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, पैनल होने के बाद में क्यों इलाज नहीं किया गया, हमारे को वहाँ से रेफर कर दिया। लेकिन सरकार तो दावा करती है कि गरीबों के लिए ये योजना बनाई गई है। लेकिन सरकार तो ये दावा करती है कि गरीबों की योजना बनाई है, वो चालू क्यों नहीं करते? तो इसके गए हम किसके? SP यादव के। तो ये तो कह रहा है कि हमारे पास कार्ड लागू ही नहीं है, ये जी लोग आए तो वो दे रखा झुंझुना बजाते रहो। और फिर हम विराट वाला गए, वो भी मना कर रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहा हमारे पास कोई वो ही नहीं है। पैसे कितने दिए आपने? 15,000 रुपये, 13-14,000 रुपये लगे जी। अब मरीज की हालत क्या है? मरीज की नस फट रही जी, आई सी यू में। नहीं ले रहे हैं पैनल पे होने के बावजूद? नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। 15,000 रुपये भी ले लिया? हाँ जी। कहाँ इलाज नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कहाँ लेके गए? कहाँ कहाँ लेके गए थे आप? इसमें लेके गया था और विराट में। कितने पैसे दोनों ने लिए? विराट में तो नहीं लगा पैसे, वो तो वैसे कागज लेके गया था पूछताछ के लिए। मेरे पास वो पेशेंट, कोई लेडी पेशेंट आई सवेरे सिरदर्द उल्टी से और चक्कर से, और 6 बजे वो आई, मैंने उसका इलाज शुरू करा। इलाज चलता रहा, उसकी जांच वांच करी, उसके बाद
मुझे महसूस हुआ कि इसके दिमाग में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। उस दौरान किसी पत्रकार का फोन आया कि डॉक्टर साहब ये गरीब आदमी है, इसका जो कंसेशन हो सके कर देना, और उसके पास आयुष्मान कार्ड है, आप उससे इलाज हो सके तो कर देना। उस पेशेंट के रिश्तेदार ने मेरे को उसके बाद बताया कि जी हम ऐसे ऐसे प्रदीप नारायण जी के कहने से आए हैं, हमारे पास आयुष्मान का कार्ड है। तो मैंने कहा कि मेरा अस्पताल सर्जरी, मेडिसिन और ईएनटी के पैनल पे है, आयुष्मान के पे। तुम्हारे मरीज को दिमाग में खून की नस फटी हुई है, मेरा अस्पताल इस बीमारी के लिए पैनल पे नहीं है और मैं इसका इलाज आयुष्मान से नहीं कर सकता। वो पेशेंट सीटी स्कैन करा के लाए, सिविल अस्पताल के बजाय वो प्राइवेट अस्पताल से करा के लाए सीटी स्कैन, वहाँ उन्होंने नकद दिया। उसके बाद उसको बताया गया कि इसका दिमाग के सर्जन के पास इसका इलाज होना है, वो रोहतक मेडिकल कॉलेज जाने की बजाय एक प्राइवेट अस्पताल में गए, वहाँ जाते ही उन्होंने 60,000 जमा करा दिए और आगे के ऑपरेशन के लिए इंतजाम करने में लग गए। वो कहीं से भी गरीब मरीज नहीं है। मेरा अस्पताल आयुष्मान के पैनल पे जरूर है, लेकिन मेरा अस्पताल सिर्फ मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी के पैनल पे है और इस तरह की बीमारी के पैनल पे नहीं है। तो आयुष्मान इस बार उन्होंने सोच समझ के अस्पतालों को पैनल पे लिया हुआ है, बीमारी स्पेसिफिक अस्पताल पैनल पे है, मेरा अस्पताल इस बीमारी के पैनल पे है ही नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, जब उन्होंने जो उनके टोल फ्री नंबर दिए हुए आयुष्मान पे, उन्होंने वहां बात की तो वहां स्पेशली दो हॉस्पिटल्स के नाम बताए गए, डॉक्टर एसपी यादव और विराट हॉस्पिटल। तो वो आप वहां कंफर्म करने के बाद आपके पास आए थे, लेकिन आप कहते हैं कि हम इस तरह की अलग से जो बीमारियां उनका ट्रीटमेंट आयुष्मान कार्ड के आधार पर नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं आप उनको बोल सकते थे कि आप जाइए, नहीं तो मेरे यहाँ पैसे लगेंगे। जब वो शुरू में आए मेरे पास भर्ती हुए, उन्होंने कोई आयुष्मान का कार्ड नहीं दिया और जो पेमेंट हमने कहा उन्होंने चुपचाप जमा करा दी। उसके बाद उन्होंने, मैं राउंड भी किया, उसके बाद राउंड पे भी उन्होंने किसी ने मेरे से ये नहीं बोला कि हम आयुष्मान कार्ड लेके आए हैं। वो तो किसी पत्रकार ने बताया कि ये मरीज आयुष्मान का है, तो मैंने कहा ठीक है अगर मेरा अस्पताल पैनल पे होगा तो मैं कर दूंगा, आयुष्मान से इलाज कर दूंगा। वो बीमारी उसकी ऐसी निकली जिस बीमारी के मेरा अस्पताल पैनल पे था नहीं, तो मैंने बोला या तो भाई दूसरी अस्पताल में चले जाओ या रोहतक मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, वहां तुम्हारा इलाज हो जाएगा। उन्होंने मेरी बात मानी नहीं, वो प्राइवेट अस्पताल में चले गए, वहां लाखों रुपए जमा करा के इलाज करा रहे हूँ। नहीं डॉक्टर, आपने जो उनको ट्रीटमेंट थे, नहीं ब्रेन का आपके पैनल में नहीं है, लेकिन आपने जो टेस्ट कराए थे वो तो आपने अपने हॉस्पिटल में कराए। हम मेरे अस्पताल में टेस्ट हुए हैं, लेकिन आयुष्मान टेस्ट के पैसे नहीं देता है, आयुष्मान इलाज के पैसे देता है। अगर टेस्ट के साथ साथ अगर मेरा अस्पताल उस बीमारी के पैनल पे आ जाता तो मैं टेस्ट फ्री कर देता। अब क्योंकि टेस्ट हुए हैं, अस्पताल का खर्चा लगा है, उन्होंने प्राइवेट बाहर से भी टेस्ट कराए, वहां भी पैसे देके कराए, जबकि मैंने बोला था सरकारी अस्पताल में चले जाओ, वहां सीटी स्कैन तुम्हारा फ्री हो जाएगा, लेकिन वो सरकारी अस्पताल जाने के बजाय एक प्राइवेट अस्पताल में पैसे देके सीटी स्कैन करा के उन्होंने कराना पसंद करा। बाकी नहीं है, देखो आयुष्मान कार्ड का मुझे नहीं पता, आयुष्मान कार्ड के बारे में मैं कुछ टिप्पणी भी नहीं कर सकता, मैं तो अपनी अस्पताल और इस मरीज के बारे में आपको बता सकता हूँ। जिसको ब्रेन हेमरेज था वो दो हॉस्पिटल में गई अपना आयुष्मान कार्ड लेकर, लेकिन उसको वहाँ ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, गरीब परिवार है, अब वो निजी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आयुष्मान भारत योजना कितनी कारगर है, क्या कहना चाहेंगे, इसकी शिकायत कहाँ की जानी चाहिए? आयुष्मान भारत के लिए जो हमारे पास हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, जैसे कि जिसके पास अगर मान लो आई का सेंटर अगर रजिस्टर्ड है, आँखों का मरीज वहाँ जाएगा, तो हर हॉस्पिटल हर स्पेशलिटी रजिस्टर्ड है, जैसे कोई ईएनटी का 6 बेड, आई का 6 बेड, ऐसे कोई मेडिसिन का, तो हर स्पेशलिटी अलग अलग रजिस्टर्ड है, तो जिस स्पेशलिटी में रजिस्टर्ड है तो वहाँ मरीज जा सकता है। और अगर मरीज को फिर भी अगर कोई शिकायत हो ग्रीवेंस किसी भी तरह की, तो हमारे ऑफिस में आके किसी भी कार्य दिवस पे वो शिकायत कर सकता है, उसकी हम जाँच करेंगे। अब जिस प्रकार से इन दो डॉक्टर्स ने उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया, क्या अगर उनकी शिकायत आती है तो कोई कार्रवाई होती है? हाँ बिल्कुल करेंगे, वो राइटिंग में दे किस डॉक्टर पास कब गया विद प्रूफ दे उसकी। बिल्कुल अभी तक आपके पास कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं, वो तो वर्बली कोई चीज सुनी है नहीं, हर चीज रिकॉर्डिंग, कितने बेड चार्ज, कितने फीस। ये तो डॉक्टर्स का कहना है कि 18 रुपए ही मिलते हैं सर, 1800 रुपए ही मिलते हैं, वो ऑन रिकॉर्ड की चीजें, मरीज हमें राइटिंग में लिख के दे भाई इतने पैसे इतने लिए। सर ये मरीजों का नहीं, कुछ डॉक्टर्स का, निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स का, उसका डॉक्टर के मैं कमेंट नहीं कर सकते किसी बात पे। ओके।